हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। आज मैं आपको दुधिया के हलवे की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। मैंने दुधिया ले लिया है, 1 kg मैंने दुधिया लिया है। इसको मैंने इसका छिलका निकाल दिया है और इसको खींच लिया है खिसनी में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली खिसनी यूज़ की है, बड़े वाले साइड से मैंने इसको खींच लिया है। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने बॉईल करके लिया है। शुगर ली है 1 बाउल, मैंने खोया लिया है थोड़ा सा, 3 टेबलस्पून मैंने असली घी लिया है और मैंने कुछ बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दुधिया का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ाई गरम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाह, गैस को ऑन कर दिया हमने। अभी हमें कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होने देना है। हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी इसमें हमें घी ऐड कर लेना है। 3 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें हमारा जो हमने दुधिया को हमने बारीक पीस लिया था वो हम ऐड कर देंगे इसमें। फ्रेंड्स, हमें गैस और फास्ट पे रखना है। फ्रेंड्स, हलाना है। अभी ये जो दुधिया है इसका पानी छोड़ेगा अभी। फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छे से थोड़ा 1-5 मिनट के लिए इसे भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो दुधिया है खिसावा, इसको मैं अच्छे से पहले भून के ले रही हूँ। इसे हमें सुखा के लेना है फ्रेंड्स। इसका पानी जो भी निकलेगा इसे हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए हमें इसे भूनना है फ्रेंड्स। हमने जो इसमें असली घी डाला है उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा दुधिया जो है फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हमें दूध ऐड कर लेना है। मैंने गैस स्लो कर दिया है और इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे, फास्ट कर लेना है फ्रेंड्स। और हमें फास्ट गैस पे ही इसे कुक करना है फ्रेंड्स। देखिए, आप देख सकते हैं ये कुक हो रहा है हमारा हलवा। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसमें शुगर ऐड की थी वो भी अभी पूरी तरह से इसमें घुल चुकी है। अब हमें इसमें खोया ऐड कर देना है फ्रेंड्स। खोया को आप अपने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दे और इसमें ऐड कर दे। और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स, जब तक हमारा खोया थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो इसमें आप कलर ऐड कर सकते हो, ग्रीन कलर अगर आप चाहो। मैं नहीं ऐड करती हूँ, मेरे घर में ऐसे ही हलवा पसंद करते हैं विदाउट कलर वाला। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसे हम 5 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें 5 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने जो इसमें खोया ऐड किया था वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने बादाम लिए थे कट करे हुए वो थोड़े से ऐड कर देंगे। थोड़े से बादाम हमने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। और मैंने जो खोया ऐड किया है ना फ्रेंड्स, इसमें अगर आपके पास खोया नहीं है, खोवा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आपको खोया के अलावा कुछ ऐड करना है तो आप दूध को अच्छे से पका ले। अगर आपका दूध 1 लीटर है तो उसको 1/2 लीटर करके
करने तक उसको पकाए और फिर इसमें ऐड करें तो टेस्ट सेम वैसे ही आएगा खोया के जैसे। देखिए आप देख सकते हैं इसमें खोया के बिल्कुल भी लम्स नहीं है कोई भी, पूरी तरह से खोया हमारा मिक्स हो चुका है। अब आइए इसे हम सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दुधिये का हलवा, लौकी का हलवा बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हो गया।